Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, Chapter 10th weather. So, in this chapter, we shall learn about the what is the weather? Weather kya hota hai and what are the weather conditions and how can we differentiate different seasons and weather and which type of clothes does we wear in different seasons? All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 10th weather.

सारे ही दिन आप देखते होंगे रोज सेम नहीं होते कभी आज धूप निकल रही है तो कल बहुत तेज हवा चल सकती है और बस जो यही कंडीशन चेंज होती रहती है रोज उसे ही हम क्या कहते हैं वेदर यानी मौसम बदल रहा है इट मे बी सनी रेनी क्लाउडी कोल्ड और वंडी द वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड टाइम टू टाइम बच्चों वेदर जो है रोज़ चेंज होता है यह हमारे टाइम टू टाइम भी चेंज हो सकता है जैसे सुबह बारिश हो रही है दोपहर में फिर क्या हो गई धूप निकल गई और रात में फिर बारिश हो गई तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता वेदर चेंज होता रहता है कभी सर्दी कभी धूप कभी बारिश कभी ठंड नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर फर्स्ट वन इज हॉट एंड सनी On these days, the sun shines brightly. We wear light cotton clothes, use fans and coolers. We like to have ice creams or cold drinks. A hot air called Lu blows on hot days. Now, students, look at the image. Hot and sunny day. इन दिनों क्या होता है बच्चों सूरज बहुत तेज चमकता है हम सनी डे में हल्के कॉटन क्लोथ के कपड़े पहनते हैं इस दिन में हम लर्स का यूज करते हैं हमें ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है जैसे आइसक्रीम्स कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों हॉट सनी डे में गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम कहते हैं लू नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन हाउ डज कॉटन क्लोथ कीपकूल अब आप बताइए कॉटन क्लोध्स शो होते हैं हमें कूल cool कैसे रखते हैं बिकॉज कॉटन क्लोव एब्सॉर्ब अवर स्वेट कॉटन क्लोव क्या करते हैं हमारे स्वेट यानी पसीने को एब्सॉर्व करते हैं वो हमें कूल cool और कंफर्टेबल रखते हैं ऑन हॉट सनी डे नेक्स्ट वेदर इज कोल्ड ऑन डेज द वेदर इज कूल वी लाइक टू सिट नियर फायर वी वीयर वुलन क्लोथ हीटर्स एंड लाइक टू हैव हॉट थिंग्स लाइक सूप टी और कॉफी एक्सेट्रा बच्चों जब ठंड आती है तो मौसम कैसा हो जाता है ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है हम सभी को फायर के पास बैठना पसंद आता है हम ठंड के मौसम में वूलन क्लोथ्स या नीऊनी कपड़े पहनते हैं हम हीटर्स का यूज़ करते हैं और हमें गर्म चीज़ें पसंद आती हैं जैसे सूप टी या कॉफ़ी नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट कोल्ड विंड्स ब्लो ऑन कोल्ड डेज विच मेक द वेदर वेरी कोल्ड इट इज स्नोज इन माउंटेन रीजन्स बचो जहाँ पर ऑलरेडी ठंड रहती है वहाँ पे आकर ठंड ज़्यादा पड़ जाती है जस्ट लाइक माउंटेनियस रीजन्स यानी पहाड़ों पे, पर तो वहाँ पर स्नोफॉल भी होती है नेक्स्ट सीजन इज रेनी ऑन सम डेज इट रेन्स हैट्स और कैरी अम्ब्रेल्स ऑन रेनी डेज दे प्रोटेक्ट अर्स फ्राम दी रेन बच्चों बारिश के मौसम में जब तेज़ बारिश आती है तो अगर हमें बाहर जाना होता है तो हम क्या वेयर करते हैं रेन कोट्स क्योंकि रेन कोट्स हमें ड्राई रखते हैं हमारे कपड़ों को गीले होने से बचाते हैं और हम गम बूट्स और अम्ब्रेल भी कैरी करते हैं नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट तो आपने बिजली गड़कते हुए देखा होगा ठंडर की आवाज सुनी होगी और जब बारिश भी होती है धूप भी निकलती है तो रेनबो भी दिखाई देता है नेक्स्ट वेदर इज क्लाउडी ऑन सम डेज द स्काईज कवर्ड विद क्लाउड्स क्लाउड्स हाइड दस नॉट शाइन ब्राइटली क्लाउडी नाइट आर वॉर्म आपको पता है जब दिन में बादल आ जाते हैं आसमान में तो हमारा स्काई पूरा किससे कवर हो जाता है क्लाउड से ही कवर हो जाता है क्लाउड सूरज को छिपा देते हैं हाइड कर देते हैं और फिर सन चमक नहीं पाता मगर रात में क्या होती है क्लाउडी दिन वाले दिन रात में गर्मी हो जाती है नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेदर इज वे ऑन सम डेज द विंड ग्लोज स्ट्रोंगली स्ट्रोंग विंड ग्लो एनवे थिंग्स समी आर अकमपेंट बाई डस्ट डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ दंड द डे में बी हॉट और कोल्ड विंडी डेज मतलब जब तेज़ हवाएँ चलती हैं तो बच्चों जो तेज़ हवा चलती है तो वो अपने साथ सारी चीज़ों को ब्लू ऑफ करके ले जाती है और बच्चों जब हवा चलती है तो डस्ट पार्टिकल्स कितने आ जाते हैं ये डिपेंड करता है हवा कैसी है गर्म हवा है तो हमारा सनी यानी लू कहेंगे हम उसे और ठंडी हवा है तो वो हमारी कोल्ड रीजन के अकॉर्डिंग होती है नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन सेम फॉर अ फ्यू मंथ वी कॉल इट अ सीजन जब हमारा मौसम कुछ महीनों के लिए एक जैसा रहता है उसे हम सीजन कहते हैं द क्लोज वी वेयर एंड द थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक ऑल डिपेंड ऑन सीजन कैसे कपड़े पहनने हमें क्या चीज़ें खानी हैं कौन सी चीज़ें ड्रिंक करनी है ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का मौसम है डिपेंडिंग ऑप ऑन दैदर वी हैव द फॉलोइंग सीजनस वेदर के अकॉर्डिंग डिफरेंट सीजन अकर होते हैं नाउ स्टार्ट विध विंटर विंटर सीजन में कोल्ड डेज होते हैं ठंडे दिन होते हैं समर सीजन में हॉट डेज यानी गर्म दिन होते हैं ऑटम सीजन में बच्चों ना इधर टू हॉट नॉट टू कोल्ड ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंड होती है स्प्रिंग सीजन में बच्चों प्लीजेंट डेज होते हैं नेक्स्ट मॉनसून सीजन में बारिश ही होती रहती यानी रेनी डेज नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड दी ब्लूम सीजन एज मोस्ट ऑफ दी फ्लारिंग प्लांट्स आर इन फुल ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीज़न आपको पता है जो स्प्रिंग सीजन होता है उसे हम कौन सा सीजन कहते हैं ब्लूम सीजन क्योंकि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है हमारा वसंत का मौसम जब आता है पेड़ों पे नए नए फ्लॉर्ट्स जो होते हैं ब्लूम करने स्टार्ट कर देते हैं खिलने स्टार्ट हो जाते हैं इन ऑटम सीजन मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड दियर लीवस ऑटम सीजन यानी पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिरने स्टार्ट हो जाते हैं इसलिए हम उससे क्या कहते हैं ऑटम सीजन नाउम्प एंड दीजन इन विच दिंग इन विच सीजन दिंग्स वर यूज फर्स्ट थिंग इज अयर कंडीशनर विच बी यूज इन अ समर सीजन now next image is a heater heater is used in a winter season next image is the umbrella umbrella is used in a monsoon or a rainy season now let's look new words first word is weather that means the condition of the air at a particular time and place वेदर यानी जो हमारा मौसम होता है वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वेदर बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है नेक्स्ट इज सीजन मीन्स द पीरियड ऑफ द ईयर वेन टाइप ऑफ वेदर स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड सीजन वो होता है अगर हमारा मौसम वेदर काफी समय तक के लिए एक जैसा रहा तो वो हमारा सीजन हो जाता है नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नर्टेल फर्स्ट पॉइंट वेदर में भी सनी रेनी विंडी कोल्ड और क्लाउडी वेदर बच्चों गर्म भी हो सकता है ठंडा भी हो सकता है बारिश वाला भी हो सकता है या आसमान में सिर्फ बादल भी हो सकते हैं क्लाउडी नाइट्स आर वॉम आपको पता है अगर दिन में बादल होंगे तो रात में गर्मी होगी वी यूज अम्ब्रेलाज ऑन रेनी डेज हम रेनी डेज बारिश के मौसम में अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्लो अवे थिंग्स जो तेज़ हवा चलती हैं वो अपने साथ सारी चीज़ों को ले जाती है ब्लो ऑफ कर देती हैं

द सन शाइंस ब्राइटली ऑन दीज डेज ऑन सनी डे इज़ द राइट आंसर ऑन अ हॉट डे वी लाइक टू हैव गर्मी के मौसम में हमें क्या पसंद आती है आइसक्रीम वी इज द राइट आंसर वी यूज रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज ऑन दीज डेज हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल कब करते हैं रेनी डेज में तो इज द राइट आंसर वी वियर दीज क्लोज इन विंटर सर्दियों के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं बचो वुलन ओनी कपड़े वी इज द राइट आंसर नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टू

धूप भी हो सकती है बारिश भी हो सकती है बादल भी हो सकते हैं हवा भी हो सकते है एंड कोल्ड और कोल्ड हंडा क्लाउडी कैसी होती हैं बच्चों वार्म होती है गर्म होती हैं। द डेश रिमी सेम फॉर अ फ्यू मंथ इट इज कॉल्ड आर जब हमारा वेदर ना बहुत मंथ्स के लिए सेम रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं सीजन इट इज कॉल्ड अ डैश डेज हाफ कोल्ड डेज बच्चों विंटर डेज हाफ कोल्ड डेज नाउ स्टूडेंट्स लेट्साइज सी मैच दी कॉलम्स मैच कॉलम ए टू कॉलम बी फर्स्ट वन इज समर समर कैसा होता है बच्चों वेरी हॉट बहुत गर्मी होती है ए फर्स्ट को मैच करेंगे डी से मानसून यानी बारिश वाला मौसम रेन से अलॉट सेकेंड को मैच करेंगे डी से नेक्स्ट इज स्प्रिंग जब हमारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं बच्चों उसे हम क्या कहते हैं थर्ड इज स्प्रिंग सीजन बी से मैच करेंगे ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम ट्रीज शेड दियर लीव फोर्थ को मैच करेंगे ए से नाउ विंटर सीजन इज वेरी कोल्ड फिफ्थ को मैच करेंगे ई से नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योर सेल्फ आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स हैव हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर थैंक यू एंड अ नाइस डे